तो गाइस जैसा कि आप लोगों ने थंबनेल में देख ही लिया होगा, तो आज की इस वीडियो में बात करने वाले हैं पेटीएम यूपीआई लाइट क्या है, कैसे आपको इसका यूज़ करना है, सेटअप करना है, यूपीआई से ये कैसे अलग है, और इसका यूज़ करते हुए आप अप टू 100 रुपीज़ तक का कैशबैक भी यहाँ पर लूट सकते हो। तो पूरी डिटेल इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ, तो वीडियो को शुरू से लास्ट तक देखते रहना। और चैनल पर नए हो तो यार चैनल को सब्सक्राइब कर दो, बेल आइकन को ऑल पे सेट कर दो, ताकि ऐसे आने वाली कोई भी लूट वीडियो आपसे मिस ना हो। और अगर आपने अभी तक हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया है तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, फटाफट से जाओ, फटाफट से ज्वाइन करो, क्योंकि बहुत सारे लूट ऑफर्स होते हैं जो कुछ ही समय के लिए होते हैं। तो अगर आप भी सस्ती शॉपिंग करना चाहते हो या फ्री पेटीएम कैश से रिलेटेड ऑफर आ जाते हैं, फ्री सैंपल होते हैं, तो सभी के सभी डेली के डेली आपको टेलीग्राम चैनल पर मिलते हैं, क्योंकि ये शॉर्ट टाइम लूट ऑफर होते हैं, इसलिए आपको टेलीग्राम पर ही मिल जाते हैं। तो इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो आपसे कोई भी लूट ऑफर यहाँ पर मिस नहीं होगा। तो चलिए अब बात कर लेते हैं अपने मेन ऑफर की, पेटीएम यूपीआई लाइट के बारे में। तो पेटीएम के होम पेज पर ही आपको यूपीआई लाइट का ये सेक्शन देखने को मिल जाता है। तो बात आती है यूपीआई लाइट है क्या और इसकी ज़रूरत क्या पड़ी, क्योंकि सभी लोग तो यूपीआई पहले से ही यूज़ करते हैं। तो अगर मैं आपको एक सिंपल सरल भाषा में बताऊँ, आप इसको यूपीआई का वॉलेट यहाँ पर कह सकते हो। अगर आप किसी भी QR कोड या UPI पर पेमेंट करते हो तो उसके लिए आपको कोई भी UPI पिन की ज़रूरत नहीं होगी, इजीली आपकी यहाँ पर जो पेमेंट होगी वो इजीली डन कर सकते हो विदाउट पिन के ही। तो इसकी ज़रूरत क्यों पड़ी, तो देखो UPI के सर्वे में पता चला है जो 50% से ज़्यादा की ट्रांजेक्शन होती है वो 200 रुपीज़ या उससे नीचे की देखी गई है, क्योंकि आजकल हर कोई UPI का यूज़ करता है। तो अगर वो टॉफ़ी खरीदने जा रहा है, बिस्किट खरीदने जा रहा है, तो वो भी UPI का यूज़ कर रहा है, जिससे आपकी जो बैंक ट्रांजेक्शन है वो भी काफ़ी ज़्यादा हो जाती है, और आपको बार बार पेमेंट करने के लिए UPI पिन का भी यूज़ करना होता है, तो वो भी आपको नहीं करना पड़ेगा। और साथ ही साथ यहाँ पर आपकी काफ़ी बार जो अगर आप किसी को पेमेंट करते हो छोटी मोटी, वो कभी पेंडिंग में चली जाती है, कभी फेल हो जाती है, तो आप UPI लाइट का अगर यूज़ करते हो तो उसमें ये प्रॉब्लम आपको देखने को नहीं मिलेगी। और धीरे धीरे जो UPI लाइट यहाँ पर फीचर है वो सभी एप्लीकेशन में आपको देखने को मिलेगा, जितनी भी UPI एप्लीकेशन है आपकी, गूगल पे हो गई, फ़ोन पे हो गई, अमेजोन होगी, उन सभी में आपको धीरे धीरे देखने को मिलेगा। और देखो पेटीएम में एक अभी ऑफर भी चल रहा है, अगर आप इसको एक्टिवेट करते हो तो अप टू 100 रुपीज़ तक का आपको कैशबैक भी यहाँ पर मिलेगा। और देखो बताया जा रहा है कि इसको आप विदाउट इंटरनेट भी यूज़ कर सकते हो, तो उसको भी टेस्ट करेंगे। तो सिंपल सा आपको होम पेज पर ये सेक्शन देखने को मिल जाता है, उस पर आपको क्लिक करना है। UPI लाइट को यूज़ करने के लिए एक चीज़ का ध्यान है कि आपकी जो पेटीएम एप्लीकेशन है वो अपडेट होनी चाहिए, तो चेक कर लेना कि अपडेट है या नहीं है। तो उसके बाद आपको यहाँ पर एक बैंक लिंक करने के लिए बोला जाएगा। देखो अगर आपने पहले से अपने पेटीएम के साथ कोई भी फिजिकल बैंक यहाँ पर ऐड किया हुआ है, लिंक किया हुआ है, तो आप उसके थ्रू भी जा सकते हो या कोई न्यू बैंक भी ऐड कर सकते हो। जैसे कि मैंने पहले से यहाँ पर PNB जो बैंक है वो यहाँ पर लिंक किया हुआ है, आप कोई भी यहाँ पर जो आपके पेटीएम के साथ पहले से लिंक है आप उसको भी सिलेक्ट कर सकते हो। और एक चीज़ का ध्यान रहे, यहाँ पर जो पेटीएम पेमेंट बैंक अगर आपने ओपन किया हुआ है वो यहाँ पर जो है इसके साथ लिंक नहीं होगा, आप उसका यूज़ यहाँ पर नहीं कर पाओगे। इसके लिए आपके पास कोई भी फिजिकल बैंक यहाँ पर होना चाहिए। तो चलो मेरे पास यहाँ पर PNB पहले से मेरे पेटीएम में रजिस्टर्ड है, तो सिंपल सा नीचे में आपको नेक्स्ट का ऑप्शन मिल जाता है, आपको उस पर क्लिक करना है। और जो आपका यहाँ पर UPI लाइट है उसके साथ आपका जो ये बैंक है वो यहाँ पर लिंक हो जाएगा, तो सिंपल सा आपको नेक्स्ट पर क्लिक करना है। जैसे ही क्लिक करोगे तो आपका यहाँ पर UPI लाइट का जो सेटअप है वो यहाँ पर कंप्लीट हो जाएगा। तो नेक्स्ट पेज यहाँ से ओपन हो जाएगा। अब यहाँ पर आपको जो है ऐड बैलेंस करने के लिए बोला जाएगा, क्योंकि देखो UPI लाइट यूज़ करने के लिए आपकी UPI लाइट वाले सेक्शन में आपको पहले से यहाँ पर जो है बैलेंस यहाँ पर ऐड करके रखना होगा। और देखो यहाँ पर पेटीएम पर अभी के लिए एक ऑफर भी चल रहा है, अगर आप फर्स्ट टाइम के लिए UPI लाइट में 1000 रुपीज़ ऐड करते हो तो उसके लिए आपको अप टू 100 रुपीज़ तक का बैलेंस यहाँ पर मिल सकता है। तो इस ऑफर को क्लेम करने के लिए फर्स्ट टाइम आपको यहाँ पर जो है 1000 रुपीज़ ऐड करना है, ठीक है, और मैक्सिमम आप इस UPI लाइट में 2000 रुपीज़ ही ऐड करके रख सकते हो। अब आपको यहाँ पर जो है आप अपने इस UPI लाइट में यहाँ पर जो है लॉक भी लगा सकते हो या रहने भी दे सकते हो। तो उसके बाद जैसे कि मैंने 1000 रुपीज़ यहाँ पर ऊपर में सेलेक्ट किया हुआ है, अब ऐड मनी पर क्लिक करना है। अब आपने जो भी बैंक यहाँ से लिंक किया था उसका UPI पिन डाल के यहाँ पर जो है उसको पेमेंट यहाँ पर डन हो जाएगा, और आपके जो 1000 रुपीज़ है वो मेरे यहाँ पर UPI लाइट में यहाँ पर ऐड हो चुके हैं।
उसके लिए आपको देखो एक स्क्रैच कार्ड यहाँ पर मिल सकता है। जैसे कि मैंने बताया फर्स्ट टाइम ऐड करते हो तो उसके लिए आपको 100 रुपीज़ तक का कैशबैक यहाँ पर मिलेगा। तो एक स्क्रैच कार्ड आपको यहाँ पर मिलेगा, जैसे कि मुझे यहाँ पर एक स्क्रैच कार्ड मिला है। देखो इस वाले अकाउंट में मुझे जो है एक स्क्रैच कार्ड मिला, बट इसमें वो जो कैशबैक वाला ऑफर है वो नहीं मिला था। लेकिन मैंने सेकंड अकाउंट से ट्राई किया, साइड में आप देख पाओगे, उसमें मुझे 10 रुपीज़ का कैशबैक मिला। आपको कितना मिलता है कॉमेंट सेक्शन में ज़रूर से बताना। तो देखो यहाँ पर पासबुक वाले सेक्शन में आओगे तो आपको UPI लाइट के सामने 1000 रुपीज़ शो कर रहा होगा, क्योंकि मेरे UPI लाइट में आपको 1000 रुपीज़ मैंने यहाँ पर ऐड किए हुए हैं, तो आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएंगे। तो जैसे ही मैंने इस पर क्लिक किया, अब देखो यहाँ पर फिर से वही इंटरफेस आपको देखने को मिल जाएगा। जैसे कि मैंने बताया आप UPI लाइट में मैक्सिमम 2000 रुपीज़ ही रख सकते हैं, यानी कि अगर आप चाहो तो 1000 रुपीज़ और ऐड कर सकते हैं और उसको रख सकते हैं। अब देखो इन पैसों का यूज़ करने के लिए या निकालने के लिए आप किसी भी QR कोड पर या कोई भी UPI ID को आपको डालना है सिंपल सा। जैसे कि मैंने यहाँ पर जो है स्कैनर पे वाला सेक्शन निकाला और मैंने अपना ही जो QR कोड है यहाँ पर गैलरी से सिलेक्ट किया, तो आपके सामने ऐसा कुछ इंटरफेस यहाँ पर आएगा जहाँ पर आपको ऊपर में अमाउंट सेलेक्ट करने के लिए बोला जाएगा और नीचे में पहले से यहाँ पर UPI लाइट यहाँ पर सिलेक्ट होगा। या तो आप यहाँ पर जो है अपने बैंक की UPI के थ्रू भी पेमेंट कर सकते हो, या पहले से जो UPI लाइट यहाँ पर सिलेक्ट है उसके थ्रू भी अप टू 200 रुपीज़ तक की पेमेंट। जैसे कि मैंने पहले ही बताया एक बार में आप 200 रुपीज़ से ज़्यादा की पेमेंट UPI लाइट से नहीं कर पाओगे। तो अगर आप यहाँ पर 200 रुपीज़ से ज़्यादा की पेमेंट करने के लिए यहाँ पर डालोगे तो वो डायरेक्टली आपकी बैंक की UPI नीचे से सेलेक्ट हो जाएगी। जैसे कि मेरा बैंक ऑटोमेटिकली वहाँ पर सेलेक्ट हो गया है, तो आपको 200 रुपये या उससे नीचे की पेमेंट अगर आप यहाँ पर सेलेक्ट करते हो, UPI लाइट को सेलेक्ट करोगे, तो आप उसको इजीली यहाँ पर यूज़ कर पाओगे। तो काफ़ी यहाँ पर जो है इससे हेल्प हो जाएगी, कोई भी आपको पिन वगैरह देना नहीं पड़ेगा, इजीली आपकी जो पेमेंट है इंस्टेंट यहाँ पर डन हो जाएगी, और जिसके लिए आपको ज़्यादा यहाँ पर आपकी बैंक में भी ट्रांजेक्शन नहीं होगी और ऐसे आप जो है इसका यूज़ भी कर पाओगे और इससे आप एक दिन में कितनी भी पेमेंट यहाँ पर कर सकते हो। अब बात कर लेते हैं क्या ये विदाउट इंटरनेट यहाँ पर काम करेगा। तो मैं यहां पर जो अपना वाईफाई है वो यहां से ऑफ कर दिया है। अब नीचे से फिर से मैं स्कैन एंड पे वाले सेक्शन में गया, फिर से मैंने यहां पर जो अपना QR कोड है पेमेंट के लिए सेलेक्ट किया, तो यहां पर नो इंटरनेट कनेक्शन करके आ गया है, यानी कि अभी के टाइम तो ये यहां पर वर्क नहीं कर रहा है, इसके लिए आपको कनेक्शन की ज़रूरत यहां पर पड़ेगी। तो बस आज की इस वीडियो में इतना ही था, अगर आपका कोई भी सवाल हो तो कमेंट करके जरूर से बताना, और वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करना मत भूलना, और चैनल पर नए हो तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लो और टेलीग्राम को जरूर से ज्वाइन कर लेना, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल